ऑफ है, डिफेंस के लिए भी 50% एंड एक्सएल। हेलो, नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड आप सभी का स्वागत है हमारे एक और वीडियो के साथ। सो आज हम जा रहे हैं सूरजकुंड के मेले और अभी हम हैं सूरजकुंड और ये है हमारे सामने सिद्धार्थ आश्रम। सो अभी हम निकलने वाले हैं सूरजकुंड के मेले में। इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, हमारे पार्किंग से लेके टिकटिंग से लेके एंड वहाँ पे क्या कल्चरल प्रोग्राम होने वाले हैं, वहाँ पे क्या थीम लगी है, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, स्किप मत करना एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे लेकवुड सिटी में पार्किंग मिल जाएगी और कुछ चेंजेस हो गए हैं पार्किंग प्राइस में और हमने 100 रुपीज़ पे किया है बाइक पार्किंग के लिए और ये पूरे दिन के लिए है और गाड़ी के फोर व्हीलर के 200 रुपीज़ चार्ज हैं पूरे दिन के लिए। सो चलते हैं अभी आगे। अभी हम पहुंच चुके हैं सूरजकुंड के मेले में और ये सूरजकुंड का 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल मेला क्राफ्ट मेला है। दो साल के बाद अब ये मेला लगा है 2022 में और आपको मैं अभी टिकट्स के बारे में बताता हूँ सबसे पहले। सो आप गेट नंबर 3 से अगर एंटर करेंगे तो 3 से आपको एक लेफ्ट राइट हैंड साइड में एक टिकट काउंटर मिल जाएगा एंड वीकेंड्स पे आपको 180 की टिकट मिल जाएंगी और वीकडेज में आपको 120 की मिल जाएगी एंड सीनियर सिटीजन के लिए 50% ऑफ है एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के लिए 50% ऑफ है, डिफेंस के लिए भी 50% एंड एक्स आर्मी मैन उन सब के लिए 50% ऑफ है। सो कुछ डिस्काउंट है एंड स्टूडेंट्स के लिए भी 50% ऑफ है और कुछ फ्रीडम फाइटर्स एंड वार विडोज़ के लिए फ्री टिकट्स हैं। सो तो ये थी कंप्लीट डिटेल्स टिकट के बारे में और अभी हम एंटर होते हैं गेट नंबर 3 से एंड उसके बाद हमारी यहाँ पे चेकिंग होएगी एंड ये है हमारा प्रोग्राम शेड्यूल एंड ये प्रोग्राम शेड्यूल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना प्लान करें जो भी आपको प्रोग्राम देखना है। सो जनरली मैं कैश तो कैरी करता नहीं हूँ और अपने साथ थोड़ा सा एक सीन हो गया क्योंकि यहाँ पे अगर आप टिकट लेने जाएंगे तो ओनली कैश ही अलाउड है और अगर आप ऑनलाइन या पेटीएम और यूपीआई के थ्रू देना चाहें तो यहाँ पे वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं, वो एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है यहाँ पर। तो कैश कैरी कर लेना, ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं पेटीएम एक्स इनसाइडर के थ्रू। सो यहाँ पर कोई बारकोड भी नहीं है एज सच, तो आपको पेटीएम में जाके इवेंट्स में जाके सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2022 मिल जाएगा, वहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। सो बाकी टिकट्स की जानकारी मैं सारी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो फाइनली हमने कर ली है एंट्री गेट नंबर 3 से और टोटल यहाँ पे 5 गेट्स हैं जनरल पीपल्स के लिए, यहाँ पे 3 गेट्स हैं और एक गेट VIP के लिए हैं एंड एक गेट यहाँ पर कुछ मीडिया कर्मचारियों के लिए है। सो टोटल यहाँ पे अप्रॉक्स 2500 पुलिस वाले हैं आपकी सेफ्टी के लिए, कुछ CCTV कैमरे भी हैं। सो इस बार जो थीम लगी है 35th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले की वो है जम्मू एंड कश्मीर। हर साल की तरह यहाँ पे हर एक स्टेट की थीम लगती है, सो इस बार वो है थीम जम्मू एंड कश्मीर एंड जो कंट्री पार्टनर है वो है यूकेबिस्तान। सो विज़िट करेंगे उनके स्टॉलों को, टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉल्स 1100 हैं एंड यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ ने ऑलमोस्ट 20-25 कंट्रीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है एंड उनकी इन स्टॉल पर भी हम विज़िट करेंगे, देखेंगे, आपको एक्सप्लोर करवाएंगे। एंड यहाँ पे अगर आपको पहुँचना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, डायरेक्टली आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे
एंड अगर आप बदरपुर वाली साइड से आ रहे हैं तो कैब एंड आपको गवर्नमेंट व्हीकल्स और आपको ऑटोज़ भी मिल जाएंगे। आपको जो रास्ता तय करना होगा वो अप्रॉक्स 5 to 6 किलोमीटर का तय करना होगा। एंड अगर आप आ रहे हैं बल्लमगढ़ वाली साइड से तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट की बसेज हैं, बस स्टैंड से मिल जाएंगी आपको, ऑटोज़ भी मिल जाएंगे एंड वहाँ से आपको कैब भी मिल जाएगी। सो वहाँ से आपको अप्रॉक्स 18 to 20 किलोमीटर की जर्नी तय करनी होगी यहाँ पे पहुँचने के लिए। एंड अगर आप आ रहे हैं ओल्ड फरीदाबाद या NIT बस स्टैंड से तो वहाँ से आपको 5 to 7 किलोमीटर की जर्नी तय करनी पड़ेगी यहाँ पहुँचने के लिए। सो यहाँ से आपको डिफरेंट अगर आप फरीदाबाद से आ रहे हैं तो आप गेट नंबर 3 से आ सकते हैं, ऐसे ही दिल्ली वाली साइड का गेट नंबर 1-2 से आ सकते हैं आप। और सो अभी हम भी चलते हैं और देखते हैं यहाँ का कल्चरल प्रोग्राम और जो भी कुछ यहाँ पे स्टॉल लगाई हैं डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट स्टेट की स्टॉल लगी हैं, विजिट करते हैं, आपको विजिट करवाते हैं। सो चलते हैं अभी आगे। वेस्ट बंगाल की स्टॉल हमें स्टार्टिंग में दिखी है एंड काफ़ी डिज़ाइनर बैग्स वगैरह हैं। एंड एक मैं आपको जोधपुर राजस्थान का सीनरीज दिखाता हूँ, काफ़ी अच्छी कलाकारी है जो कि हैंडक्राफ्ट एंड हैंडलूम उपलब्ध सकते हैं, उनके लिए ये बेस्ट प्लेस है एंड विजिट उनको ज़रूर करना चाहिए। मिर्ज़ापुर यूपी के आपको ब्यूटीफुल चादरे मिल जाएंगे एंड कारपेट्स वगैरह एंड आंध्र प्रदेश का कुछ एंड हेयर्स द जम्मू कश्मीर कारपेट्स। एंड ये है कुछ महाराष्ट्र के हैंडलूम प्रोडक्ट्स एंड ये है हमारे फरीदाबाद हरियाणा का पेंटिंग शॉप, कुछ पेंटिंग्स हैं यहाँ पे। सो आपको यहाँ पे पानी पीने के लिए भी मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से आप पानी पीने के लिए भर सकते हैं। एंड दस गुजराती ड्रेस। सो उत्तराखंड के स्टॉल, हाँ इसको कैसे मिस कर दें। सो कुछ आपको उत्तराखंड के यहाँ पे, हाँ ये देखिए उत्तराखंड के प्रोडक्ट्स। अपना घर कश्मीर एंड सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला अपना घर कश्मीर बोल रहा है। ट्रेडिशनल कश्मीरी हाउस, द हाउस इज यूजली विद सिंगल एंट्रेंस एंड विंडोज। स्टॉल्स एंड काफ़ी लंबी स्टॉल है यहाँ पे, यही है अपना जो पार्टनर कंट्री है यूकेविस्तान ही है। तो ये है कुछ यूकेविस्तान के प्रोडक्ट। सो ये है कुछ अपना घर और विरासत हेरिटेज विलेज कुरुक्षेत्र आपका
पकड़ी बताओ फोटो खिंचाओ। सो चलते हैं अंदर। सो यहाँ पे आपको अनाउंसमेंट बूथ भी मिल जाएंगे। अगर आपका कोई बच्चा या आपका कोई फैमिली मेंबर आपसे दूर चला गया है या आपको मिल नहीं रहा है तो यहाँ पे आप आके आपको अनाउंसमेंट करवानी है, अनाउंसमेंट हो जाएगी। जहाँ पे भी आपका फैमिली मेंबर या बच्चा होगा वो यहाँ पे छोड़ दिए जाएंगे गार्ड के द्वारा। एक आपको मिल जाएगा यहाँ पे महेश्वर देवता टेंपल गेट हिमाचल प्रदेश। एंड यहाँ पे आपको लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर मिल जाएगा। अगर आपका कुछ भी गुम हो जाता है तो यहाँ पे आके आप अपना कंप्लेंट करा सकते हैं। सो विजिट यूकेविस्तान। सो विजिट करते हैं यूकेविस्तान। आपको नाइजीरिया।
एंड यहाँ पे आपको टॉयलेट्स भी मिल जाएंगे। ये आपका स्टॉल नंबर 719 और समथिंग 723 के पास में आपको वॉशरूम मिल जाएगा। और छत्तीसगढ़ बिहार की तरफ से कुछ कला जम्मू कश्मीर के कुछ फैब्रिक्स स्टॉल्स। सो एक और वॉशरूम आपको मिल जाएगा, ये स्टॉल नंबर 746-747 के सामने। एंड एक आपको यहाँ पे मिल जाएगा चलता फिरता एटीएम। सो आप यहाँ से कुछ भी कैश विड्रॉ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मिल जाएगा आपको राजस्थान फूड कोर्ट और यहाँ कुछ राजस्थान का मज़ा ले सकते हैं। सो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट फूड कोर्ट के स्टॉल्स या IHM पानीपत। यहाँ पे पानीपत एंड ये मिल जाएगा IHM फरीदाबाद। यहाँ पे आपको हरियाणा स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट सिटीज के स्टॉल मिल जाएंगे। ये है काफ़ी बड़ा अपना IHM फरीदाबाद का एंड इज द प्राइस लिस्ट। एंड ये है जम्मू कश्मीर का फूड कोर्ट। सो यहाँ पे पूरा एरिया ये फूड कोर्ट का है। किसी भी मेले में जाते हैं खाने के लिए थोड़ा ज़्यादा जेब भी करनी पड़ती है। अगर आप भी यहाँ पे प्लान कर रहे हैं आने के लिए, आने का प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जेब भी करनी पड़ेगी। मेला है और जेब होगी और बच्चों के लिए कुछ अच्छी बातें। और अगर आप भी अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आ रहे हैं तो छत्तीसगढ़ वाले गेट से आपको एंट्री, दिल्ली वाले गेट से एंट्री एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा एम्यूजमेंट पार्क। सो बच्चों के लिए यहाँ पे खेलने के लिए काफ़ी सारे झूले मिल जाएंगे। सो जगह चेक आउट कर लीजिएगा कितने फीस की। एंड छत्तीसगढ़ वाला गेट एंड यहाँ पर आपको पार्क मिल जाएंगे और यहाँ पे आप झूले वगैरह बच्चों को खिला सकते हैं, उनका एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ वाले गेट में आपको स्टॉल्स मिल जाएंगी। Yeah.
तो ये था हमारे सूरजकुंड मेले का सफ़र, और सच इतना ज़्यादा तो क्राउड नहीं था संडे के अकॉर्डिंग, और भी ज़्यादा क्राउड होना चाहिए था बट उतना क्राउड नहीं था। टिकट्स, पार्किंग एंड कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अगर और भी आपकी फर्दर कुछ भी इंक्वायरी हो तो आप मेरे से कमेंट करके या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ट्राई कि मैं आपको रिप्लाई दे पाऊँगा सर जितने भी मुझे नॉलेज हो कि मैं आपको बिल्कुल दे पाऊँगा। सो पहाड़ी अरविंद वन, यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अभी थोड़ा थक चुके हैं और अभी कर रहे हैं हम बाय बाय सूरजकुंड 35th इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले को, और नेक्स्ट टाइम आपको फिर से एक्सप्लोर करवाएंगे और कुछ एडवांस फीचर्स के साथ। सो इस बार का ऐसा बहुत ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आया इस मेले में, इससे पहले और भी जो मेले लगते थे उस टाइम ज़्यादा हम एंजॉय करते थे और भी ज़्यादा मज़ा आता था। सो एक मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ, अगर आप यहाँ प्लान कर रहे हैं आने का और बेस्ट टाइम जो है यहाँ पे आने का तो आप दिन में ना आएँ, कोशिश करें आप 4 बजे या 5 बजे के बाद ही आएँ। 4 बजे आप टिकट ले लें एंड उसके बाद आप एंट्री कर लें। सो बेस्ट टाइम है 4 बजे आने का। सो अभी चलते हैं, इजाज़त दीजिए, बाय। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर कर लेना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ पाएँ और हमारा हरियाणा टूरिज़्म और भी बढ़ता चले। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस।